जनाब 2.0 का जो अवेटेड गिफ्ट था, बर्थडे गिफ्ट, वो आ गया है। जिस तरह से दोनों बहन भाई में इस तरह की होड़ लगी हुई थी कि किसको अपनी तरफ करना है और कितना ज़्यादा शो ऑफ करना है, इसलिए गिफ्ट का जो लेवल था ना वो हाई होता जा रहा था। तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि जनाब 2.0 के लिए शायद इस बार जो है ना आईफोन आएगा, इसलिए इतनी हाइप बनाई जा रही है। तो आपने तो देखा होगा कि मैडम भी जो अब उसको अपनी तरफ जो बहुत ज़्यादा करने लगी हैं, लेकिन गिफ्ट जो आया है वो एक बैग आया है, क्योंकि ये बैग जो ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए जनाब 2.0 ने भी यही बैग मंगवाया है। जबकि इस बैग की जो खासियत है वो ये है कि पावर बैंक लगता है, उसके बाद में उसमें लाइट डिस्प्ले होती है, आप चाहें तो उसका जो डिस्प्ले है उस पर पिक्चर को वो चेंज भी कर सकते हैं। और इसका लुक जो है स्पाइडरमैन लुक दिया गया है, स्पाइडरमैन का जैसा फेस होता है उस टाइप से दिखाया गया है। देखने वाली बात यह है कि जनाब 2.0 को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत है, और स्कूल में अपने गिफ्ट्स और ये सब चीज़ें दिखाने की आदत है कि मैं कितने महंगे गिफ्ट्स और किस तरह की चीज़ें यूज़ करता हूँ। तो उसी कड़ी में आगे चलते हुए ये बैग भी आया है और बैग मंगवाया गया है, जिससे जनाब 2.0 की जो ईगो है वो और ज़्यादा राइज हो सके और जो बुलिंग फैक्टर है स्कूल का वो और भी ज़्यादा बिल्डअप हो सकता है। अगर बच्चों के पास में बड़े महंगे महंगे गिफ्ट्स होंगे तो वो किसके लिए होते हैं? वो अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स को शो ऑफ करने के लिए ही होते हैं। अब अगर डब्बा को ये कहा जा सकता है कि वो इतने महंगे गिफ्ट दिलवाए, तो जनाब ने भी उसी लाइन में ये बात करी, जबकि ये दोनों तो बहुत ज़्यादा समझदार बनते हैं, टीचिंग करते हैं। तो यहाँ देखने वाली बात यह है, नॉर्मली पावर बैंक वाले जो बैग होते हैं वो लैपटॉप वगैरह इस सब के लिए आते हैं, जिससे कि आप जो एक्स्ट्रा चार्जिंग उसके अंदर ले सकें, तो लैपटॉप उसके साथ में मोबाइल ये सब जो चार्ज किए जा सकते हैं वक्त पड़ने पर। अक्षय कुमार ने अपनी रील बना के इस बैग को काफ़ी फेमस कर दिया है और उसी की वजह से ये बैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है। और जैसा कि मैंने कहा, इन दोनों को तो पता है ना ये सब चीज़ें कैसी हैं, क्या है, एडवर्टीजमेंट के लिए तो कुछ भी आता है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि बच्चों के लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ शो ऑफ करने के, जिसकी कॉस्ट लगभग जो है 12,000 रुपीज़ के आसपास होती है। इनको देखना चाहिए था कि ये स्कूल ले जाने के लिए ये बैग मांग रहा है, जिसमें कि मुझे नहीं लगता कि इसकी सारी बुक्स वगैरह यहाँ पर आ भी सकती हैं। तो ये बैग सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ट्रोलिंग करने के या फिर इसके लिए बुलिंग करने के काम में आएगा। तो इसको राइडर बैग के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये शो ऑफ करने वाला बैग है तो फिर एज बीइंग एक गार्जियन इनको तो सोचना चाहिए ना कि बच्चा मांग रहा है तो किस लिए मांग रहा है, वो सारी चीज़ें दिखाई देती है। आने वाला जो ओपन लेटर था वो भी इन लोगों ने सुना ही होगा और उसके बारे में भी घर के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई थी। तो फिर कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे जो है बिगड़ेंगे इससे या संवरेंगे या इससे क्या प्रभाव पड़ेगा उनकी सोसाइटी और उनके ऊपर। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। अक्सर ये लोग ना बेबी का फूड दिखाना शुरू कर देते हैं कि इसको हम क्या खिला रहे हैं क्या नहीं खिला रहे हैं। ये कब बंद करेंगे या कब इनको क्या सोच के ये सब दिखाते हैं? नॉर्मली बच्चों की फूडिंग जो है वो इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं जाती है, बताई नहीं जाती, और अधिकतर जो है हिंदुस्तानी माएँ जो होती हैं ना वो ये कहती हैं कि भाई नज़र लग जाएगी इसलिए हम ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे। अब अगर ये कहते हैं कि हमें नज़र वगैरह में विश्वास नहीं है तो भैया नज़र तो ये भी उतारते हैं। केबिन क्रू ने भी नज़र उतारी थी, आपने देखा ही होगा इससे पहले। दूसरी बात यह है कि 1 साल के बच्चे को पास्ता, मैक्रोनी और ये सब कौन खिलाता है? मानते हैं वो मैदा का नहीं है, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल फूड होते हैं बच्चों को वही सब चीज़ें दी जाती हैं। शायद जल्द ही आप पिज़्ज़ा भी खाते हुए देखेंगे इसको। और हाइजीन का इतना ज़्यादा ध्यान रखने वाले जनाब ने 1 घंटा वर्कआउट किया है और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होने के बाद में उसी सारे पसीने में वो ये कह रहे हैं कि आओ मैडम आओ गले मिलते हैं, और मैडम का चेहरा देखने लायक है, जैसे कि ये उसके ऊपर रंग लगाने जा रहा हो होली पे और लोग भागते हैं ना रंग लगाने से। चलिए पार्ट ऑफ द जोक था, लेकिन देखने वाली बात यह है कि दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस आज की डेट में हो रहे हैं और अपना वेट रिड्यूस करने के लिए वॉट एवर टेक्निक्स जो यूज़ कर रहे हैं उसका इफेक्ट भी आ रहा है उनके ऊपर, एंड दैट इज़ ए गुड थिंग एंड वी अप्रिशिएट दिस थिंग। बजाय इसके कि आप लंबे लंबे लेक्चर्स दो और उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट ना कर सको, इससे बेटर के आप करके दिखाओ और उसके बाद में लोग अपने आप को खुद बोलें। मैडम का जो लास्ट सीरियल था KHKT जो उन्होंने लास्ट किया था उसको एक बार फिर शुरू किया जा रहा है, लेकिन उसमें इस बार मैडम जो है हीरोइन नहीं है, जबकि हीरो वही है, सेम रिपीट हो रहा है। जिस तरह की ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने हेल्थ को लेकर और अपने लुक को लेकर, डेफिनेटली ये आने वाले किसी प्रोजेक्ट की ना तैयारी में है। जैसा कि सोशल मीडिया पे कहते हैं इनके बच्चे को कि कंटेंट कुमार है, मैडम और जनाब उसी से कंटेंट निकालने की सारी कोशिश करते रहते हैं। अब कंटेंट कुमार ने थोड़ा सा कंटेंट देना शुरू कर दिया है, वो कई सारी एक्टिविटीज़ में रिस्पॉन्ड करता है कि नए नए रिस्पॉन्सेज को वो अब दिखाते रहते हैं अपने व्लॉग में एज ए कंटेंट। लेकिन क्या है कि बेबी ये 3-4 महीने पीछे चल रहा है अपने एज की एक्टिविटीज़ से,
लेकिन चलिए एकदम नॉर्मल तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और सब चीजें करता है। तो मैडम का जो बार बार डाउट था वो एटलीस्ट वो डाउट उनको क्लियर हो रहा है और वही हैप्पीनेस जो उनके चेहरे पे अब दिखाई भी देती है। फर्स्ट एक्सपीरियंस तो उनका अच्छा रहा नहीं था, तो इसलिए अब कम से कम उनको चैन की सांस मिलती है कि हाँ भाई अभी सब कुछ ठीक है। तो सिमिलरली बच्चा आज की डेट में ना वॉइस को रिस्पॉन्ड करता है और जो एक्टिविटीज़ उसको सिखाते हैं वो भी करता है। तो जिस तरह से कपड़े के साथ में वो कर रहा है दैट इज़ क्यूट। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जितना ज़्यादा वो बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है आज की डेट में, प्ले करता है, खेलता रहता है, तो ये सारी एक्टिविटी के जो प्रेजेंस हैं या भी ये कही कि जो चश्मदीद गवाह हैं जो आप उसके सामने देखते हैं, तो वो पेरेंट्स तो हो ही गए, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ नैनी होती है, क्योंकि नैनी ही वो है जो कि उसके साथ में हर टाइम लगी रहती है और ये उसी की मेहनत है। मैं तो ये कहूँगा कि वो अब आज की डेट में बच्चा इतना एक्टिव भी दिखाई देता है। लेकिन दादी सिर्फ और सिर्फ जो है कोई एक्टिविटी होती है तो उसको बुलाया जाता है, बच्चे के साथ खेलते हुए, बच्चे के साथ ये सब एक्टिविटी करते हुए ये सब नहीं होता। मतलब नॉर्मल एकदम से नहीं दिखाई देगा देता कि नॉर्मल घर की तरह दादी उस बच्चे के साथ खेल रही है, वो सब एक्टिविटी कर रही है जो बच्चा करता रहता है और उसके साथ में नए नए गेम प्ले करने की कोशिश कर रही है जिस तरह से ये नैनी करती हैं। यहाँ मैडम का थोड़ा सा सेंसर पना लगता है कि वो किसको अलाउड करती हैं और किसको अलाउड नहीं करती हैं। पता नहीं आजकल जो है ना अपने ट्रोलर में बैठा कर उसको नीचे घूमने के लिए भेज देती हैं, धर्म दादा जो उसको घुमाते हैं वहाँ पर, तो ये एक्टिविटी भी अभी शुरू करी है। लेकिन इससे पहले तो वो घर से बाहर निकलता ही नहीं था बच्चा, बाहर जाना तो दूर रहा। अभी देखो ये पेरेंट्स भी तो बाहर जाके आप वॉक कर सकते हो, ज़रूरी थोड़ा कि ये ट्रेडमिल ही सब कुछ होता है, समटाइम आप खुली हवा में ये वॉक करो तो वो सब चीज़ें नहीं दिखाई देती। और फादर जो है, फादर को भी जो है अंदर ही अंदर आप वॉक कराते रहते हो। और अभी जैसे बर्थडे के टाइम पे फादर के लिए ये बात कर रहे थे कि नहीं उनको ले जाना आसान नहीं है, उनको ले जाना ठीक नहीं है, वो इस तरह से फ्रीली वहाँ पे जा नहीं सकते। तो भैया आप देखो वो जो डब्बा थी, डब्बा तो उनको वहाँ पे ताज में भी लेके गई थी, तो ताज में जब लेके गई थी सारा उन्होंने ट्रैवल किया, उसके बाद में वॉक भी किया, उसके बाद में अच्छे से वहाँ पर जो है डिनर वगैरह किया। तो ये तो जस्ट इनकी मिथ है, वो जितना ज़्यादा उनको बाहर लेकर जाएंगे, बच्चे को बाहर लेकर जाएंगे, दादा को बाहर लेकर जाएंगे, उनकी लाइफ थोड़ा सा नॉर्मल आएगी और कहीं ना कहीं दादा की जो तबीयत ठीक होगी मतलब बेटर होगी और पोते की जो है एक्टिविटीज़ जो है ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी। तो मैडम की सेंसरशिप के कुछ फ़ायदे भी हैं कि घर के कानून जो बाहर नहीं निकलते और सो कॉल्ड जो इन्होंने दफन कर रखे राज, वो राज भी बाहर नहीं जाते और पूरी तरह से एक छत राज चलता रहता है। दूसरी जो डिसएडवांटेज ये है कि ज़्यादा बाहर ना जाने की वजह से डेवलपमेंट जो है घर के अंदर चीज़ों का नहीं हो पाता, क्योंकि घर पे ही सब कुछ हो जाता तो ना तो स्कूल कॉलेज खुलते और ना ही बाहर की एक्टिविटीज़ प्लान हुआ होती। ये सब काम भी आप घर में कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं, इवन देन आप बच्चे को बाहर भेजते हैं ये सब चीज़ करने के लिए। मैडम के दो कंटेंट जो ना बहुत प्रिय रहते हैं, उनके फेवरेट कंटेंट हैं, एक कुकिंग और दूसरा ब्यूटी ट्रीटमेंट। यह सारी चीज़ें वो आइसोलेशन में करती रहती हैं, यानी कि कुकिंग अपने आप करती रहती हैं, किसी की हेल्प नहीं लेती, मतलब दिखाते हैं कि किसी की हेल्प नहीं लेती, जिसका भंडा फोड़ जो है डब्बा ने ऑलरेडी कर दिया था कि किचन में जाके और उनसे जो है पूछ लिया कि भाई आप कहो तो मैं हम ये हेल्प कर दें, हम वो हेल्प कर दें, दो लोगों ने जाके पूछ लिया था और मैडम ने साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं नहीं मैं कर लूँगी, आप रहने दो, आप बैठ जाओ। तो इस तरह कुकिंग भी ये करती रहती है। और दूसरा जो है इसका ब्यूटी ट्रीटमेंट में तो खैर क्या कहें, किसी दूसरे का हाथ होता ही नहीं है, लेकिन वो बीच बीच में ये सब चीज़ें करती रहती है, जबकि रूटीन वाली चीज़ें नहीं है। अगर रूटीन वाली चीज़ें होती तो और भी कई बार देखने को मिलती और उनका रिपीटेशंस भी देखने को मिलता। भी क्या है, कनेक्टिविटी चाहिए और दूसरा व्लॉगिंग के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए, तो जो भी सोशल मीडिया पर उसको मिलता है वो ट्राई करती है और ट्राई करके उसका व्लॉग बना देती है और एज ए मैसेज कि भाई हाँ हम देखो ये सब चीज़ें कर रहे हैं और हम भी लोग जो है तो आप लोगों के जैसे हैं और आप लोगों से जुड़े हुए हैं, हम तो झूठीज वूटीज जो जाते हैं बस वैसे ही कभी कभी चले जाते हैं, ओकेजनली चले जाते हैं, लेकिन हेल्थ की और स्किन की जो पैम्परिंग है वो हम अपने घर पर ही करते रहते हैं, जो कोरा झूठ है। आज उसी पैम्परिंग में जनाब का नंबर आ गया, जनाब के फेस पैक लगेगा, जनाब के स्क्रब किया जाएगा और उसके बाद में आइस वाटर में वॉश किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों ने ये काम किया है, लेकिन जनाब ने जो किया है वो लगता है कि हाँ चलो नॉर्मल है ऐसा करते हैं, हालांकि जनाब ने भी पूरा ड्रामा किया कि नहीं मैं नहीं करूँगा, ये करूँगा, नाक डुबोई फिर निकाल लिया, ये सब किया, साइड में करूँ या इस साइड में करूँ, तो ड्रामा तो जनाब ने भी पूरा किया,
लेकिन भैया एक्टर तो कोई एक ही है और हिट एक्टर तो एक ही है, तो उसने तो पूरा ड्रामा करके बिल्कुल यहाँ तो डब्बा की कॉपी कर दी बिल्कुल। जिस तरह से उसने आइस में डिप करके अपना फेस दिखाया और चार बार तो सिर्फ नाक डिप करी और बाहर आ गई, कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी। कुछ नहीं तो 8 मिनट तक कम से कम ये आइस चैलेंज और ये सब चीजें खेलते रहे। ये ब्लॉगिंग में कंटेंट नहीं था तो आप क्यों दिखा रहे हो? मतलब देखो, अगर उसने आइस में एक बार डिप किया है, यानी जनाब ने डिप किया है, तो दैट इज़ इनफ। या दो बार दिखा दिया, आप कंटिन्यूसली दिखा रहे हो उसका, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो क्या है ये? इसको क्या कहेंगे? टाइम किलिंग कहेंगे या टाइम पासिंग कहेंगे? लोग जो आपका व्लॉग देखते हैं ना, वो कंटेंट के लिए देखते हैं। अब कंटेंट की इतनी ज़्यादा कमी है कि एक चीज़ को खींचते ही चले जाओगे, खींचते ही चले जाओगे। कोई कुकिंग वाला तो है नहीं कि आपने सब कुछ बनाया फिर उसके अंदर फ्राई करके दिखाया, फिर उसके बाद में गार्निश कैसे किया, सर्व कैसे किया, सारी चीज़ें दिखा रहे हो, वहाँ समझ में आता है। लेकिन ये इनकी इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, यानी कि अगर मैं नहाने जाता हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटी करता हूँ, ये बड़े कॉमन सी चीज़ें हैं। तो ये सब कॉमन सी चीज़ों को अनकॉमन क्यों बना रहे हो यार? अगर वो आइस में डिप कर रहा है तो वो एक बार दिखा दिया, दो बार दिखाता है, दैट इज़ ओके कि हाँ भाई इसने कर लिया, अब इसको क्या फ़ायदा मिला, क्या फीलिंग हुई, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। दोनों मिलकर व्लॉग को खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, देखते समय ऐसा लगता है, इतना बोरिंग लगता है कि यार इसे बंद करो। अगर आप एक ही व्लॉग को 4 या 5 दिन से बना रहे हो और कोई कंटेंट नहीं मिल रहा तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या, अब कुछ नहीं मिल रहा तो एक पकड़ा और उसको बार 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 करके दिखा रहे हो। और जनाब ने भी कितना ड्रामा किया जब स्क्रब की बात आई कि कॉफी जो है बर्न कर देती है फेस को, कितने ज़्यादा ड्रामा किया कि मेरा फेस पे नहीं नहीं नहीं, मैं अपने फेस पे नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ, मेरा फेस ख़राब हो जाएगा, इतना ज़्यादा ड्रामा किया। मज़ेदार बात यह है कि जब ये ड्रामा करते हैं तो इनके फेस पे दिखाई दे जाता है कि ये सिर्फ बनकर और फालतू में स्क्रिप्टेड तरीके से ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। तो भाई जब आप कहते हो कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, सब कुछ जैसा होता है वैसा दिखाते हो, ऐसे नॉर्मल तरीके से बनाओ ये सारी चीज़ें। नॉर्मल तरीके से भी ये एक्टिविटी हो सकती हैं, उसमें क्या है, थोड़ा बहुत व्लॉग की लेंथ कम पड़ेगी तो वो ठीक है यार, छोटे व्लॉग डाल दो, नहीं तो कोई और 2 दिन आप रुक कर जो है उसका कंटेंट पूरा करो तब उसको डाल दो। एटलीस्ट आपका व्लॉग जो है बोरिंग में नहीं जाएगा, ये तो अच्छी बात है। इस व्लॉग के अंदर कम से कम जनाब का जो तरीका है ना, म्यूज़िक लगा दिया और बस चलने दो चलने दो चलने दो, कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तक कि वॉइस ओवर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अभी तो कम से कम इनके व्लॉग्स में ऐसा कुछ नहीं चल रहा, लेकिन कम से कम डब्बा से तो अच्छे ही हैं। डब्बा इस नीचे स्तर तक गिर गई है कि पता नहीं अब कुछ भी दिखाती है, कुछ भी करती, उसमें कुछ क्लास, कुछ चीज़ें नज़र ही नहीं आती जिसको ये कहें कि हाँ अभी एक व्लॉग देखा है। पहले से ही उसके व्लॉग जो थोड़ा क्रिंज व्लॉग हुआ करते थे क्योंकि शोर शराबा, बहुत सारे लोग, ये सब हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो प्रैंक के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रही है। आप इन दोनों के डिफरेंस के बारे में क्या सोचते हैं जरूर प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।